हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हो गए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू मेकअप लुक लेकर आई हूँ, क्योंकि ये 2022 का लास्ट मंथ चल रहा है एंड क्रिसमस डे आने वाला है। तो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए मैं क्रिसमस डे का मेकअप शूट कर लेती हूँ एंड आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ, जो कि आप लोग को क्रिसमस पार्टी में जाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, बिना लेट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब तक लोडिंग हो रहा है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। तो फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले लिया है रोज वाटर एंड समर हो या विंटर, हमें अपनी स्किन को प्रैप करना होता है पहले एंड उसके बाद से मेकअप स्टार्ट करनी होती है। तो मैं सबसे पहले अपने स्किन को टोन कर रही हूँ एंड उसके लिए मैंने रोज़ वाटर लिया है एंड उसके बाद से मैंने लिया निविया का मॉइस्चराइज़र। एंड निविया का मॉइस्चराइज़र विंटर्स के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है, क्योंकि काफ़ी ऑयली है। तो मैं मॉइस्चराइज़र को लेकर अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी एंड तब तक हमें मसाज करना है जब तक मॉइस्चराइज़र हमारे स्किन में अच्छे से एकदम अब्सॉर्ब नहीं हो जाता। एंड उसके बाद से फ्रेंड्स, मैंने लिया है प्राइमर एंड प्राइमर को अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। एंड अप्लाई करने के बाद से मैं कलर करेक्टर का यूज़ करूँगी, क्योंकि जो भी डार्क सर्कल वगैरह हैं एंड आपके फेस पर जो भी पिगमेंटेशन है या फिर डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं, आप उसे हाइड कर लेना पहले, क्योंकि पार्टी होती है तो काफ़ी टाइम तक हमें मेकअप को वियर करना होता है, तो हमें कलर करेक्टर की ज़रूरत पड़ी। तो कलर करेक्टर से आप अपने डार्क स्पॉट्स को हाइड कर लेना एंड उसके बाद से इसे अच्छे से ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। एंड ब्लेंड करने के बाद अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जब तक हम ब्लेंड नहीं कर लेते तब तक हमें अगला कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना है, क्योंकि इससे हमारा मेकअप केकी पड़ सकता है। एंड इसके बाद से फ्रेंड्स, मैं अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन एंड फाउंडेशन को हमें अपने फुल फेस पर ब्रश की हेल्प से या ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई कर लेना है। बट मैंने ब्रश की हेल्प से अप्लाई किया है एंड उसके बाद से ब्लेंडर की हेल्प से उसे फिनिशिंग दे रही है, क्योंकि ब्रश की हेल्प से अगर अप्लाई करते हैं तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्रीजेस जैसे दिखते हैं, तो हमें क्या करना है उसके बाद से फिनिशिंग देने के लिए ब्लेंडर की हेल्प से इसे फिनिशिंग लुक दे देना है। एंड इसके बाद से फ्रेंड्स, मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर एंड कंसीलर को हमें अपने आईज़ के अराउंड अप्लाई करना है एंड जो भी पार्ट्स आपको हाईलाइट करने हैं उसके लिए यूज़ करना है। तो मैं आईज़ के अराउंड इसको अप्लाई कर रही हूँ एंड फिर उसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी ब्रश की हेल्प से। एंड कंसीलर को अच्छे से अप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स, हमें अपने मेकअप को सेट कर लेना है। इसके लिए मैंने लूज़ पाउडर का यूज़ किया है एंड लूज़ पाउडर से हमें अपने पूरे मेकअप को अच्छे से सेट कर लेना है। ज़्यादा मात्रा में हमें लूज़ पाउडर नहीं यूज़ करना है, सो बस आपको अपने मेकअप को सेट करना है। एंड इसके बाद से फ्रेंड्स, आईब्रो जेल की हेल्प से अपने आईब्रोज़ को सेट कर लेंगे एंड जब तक हम अपने आईब्रोज़ को फिल नहीं करते हैं तो हमारा मेकअप इनकम्प्लीट लगता है। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है अगर हम मेकअप करते हैं और अपने आईब्रोज़ को फिल करते हैं। एंड आप देख सकते हो मेरे आईब्रोज़ कितने पतले हैं, बट मैं इसे फिल करके कितने अच्छे शेप दे रही हूँ। एंड इसके बाद से फ्रेंड्स, मैं कॉन्टोर कर रही हूँ, जो कि मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा पसंद है कॉन्टोर करना, क्योंकि हमारा जब मेकअप करते हैं, फाउंडेशन यूज़ करते हैं, कंसीलर यूज़ करते हैं, तो हमारा फेस का जो लुक होता है एकदम फ्लैट दिखने लगता है। तो उसे हम अपने फेस को शेप देने के लिए कॉन्टोर करते हैं एंड कॉन्टोर को अप्लाई करने के बाद से हम एंगल ब्रश की हेल्प से अपने कॉन्टोर को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। एंड आप देख सकते हो मैं कैसे ब्लेंड कर ली हूँ, हमें नीचे से ऊपर की तरफ ब्लेंड करते हुए जाना है, ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में नहीं ब्लेंड करना है, बस हमें नीचे से ऊपर की तरफ ब्लेंड करते हुए जाना है। एंड
एंड फ्रेंड्स, मैं इसके बाद से अप्लाई कर रही हूँ ब्लश, जो कि ब्लश बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप कहीं पार्टी में जाते हो या फिर कहीं शादी में जाते हो तो ब्लश करते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है, जिससे चीक्स एकदम पिंक पिंक लगते हैं। एंड दोनों साइड में हमें अच्छे से ब्लश को ब्लेंड कर लेना है। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद से मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर, जो कि आइकॉनिक का है। ये वाला हाइलाइटर तो बहुत ही मस्त है फ्रेंड्स, क्योंकि आप डे में यूज़ करो, नाइट में यूज़ करो, ये बहुत नेचुरल लुक देता है। इसलिए मुझे ये वाला हाइलाइटर मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड इसको हम अच्छे से फिंगर्स की हेल्प से या फिर ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर देंगे। एंड आप देख सकते हो एकदम नेचुरल लुक दे रहा है। एंड इसके बाद से फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैंने सबसे पहले मैंने लिया है केक आईलाइनर। एंड केक आईलाइनर से हम अब स्मोकी लुक क्रिएट कर लेंगे। एंड उसके बाद से अच्छे से इसको पहले ब्लेंड कर लेंगे, फिर आई शेडो को हम अप्लाई करेंगे। एंड फ्रेंड्स, हमारे दोनों आईज़ पर अच्छे से स्मोकी लुक मैंने दे दिया है। एंड इसके बाद से मैं रेड कलर कर ली हूँ आई शेडो। एंड आई शेडो को हम अच्छे से इसके साथ स्मच कर लेंगे। एंड आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक आ रहा है। स्मच करने के बाद से मैं इसमें थोड़ा सा ग्लिटरी लुक दे दूँगी, क्योंकि जब आप पार्टी में जाते हो तो स्मोकी लुक के साथ थोड़ा ग्लिटरी लुक रहता है, जिस बहुत अच्छा आई मेकअप। तो फ्रेंड्स, इसके बाद से मैंने लिया है रेड कलर का शिमर। एंड अपने आई मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, दोनों आईज पर इनर कॉर्नर में रेड कलर का शिमर यूज़ कर लेंगे। एंड उसके बाद से आईबॉल के लिए मैं ली हूँ ब्रॉन्ज कलर का शिमर। एंड दोनों आईबॉल पे मैं ब्रॉन्ज कलर का शिमर यूज़ करूँगी, जिससे कि हमारा आई मेकअप थोड़ा और अट्रैक्टिव दिखे। एंड दोनों आईबॉल पर जब हम ब्रॉन्ज कलर शिमर यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हो कितना प्यारा आई मेकअप और ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड इसके बाद से हम आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए अप्लाई करेंगे काजल, जो कि मैंने लिया वाइट काजल। एंड वाइट काजल को दो आईज़ के वाटर लाइन पर यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद से हम लोअर लैश लाइन पर ब्लैक कलर का काजल यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारी आईज़ थोड़ी बड़ी लगेगी एंड काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड आप देख सकते हो एंड दोनों आईज़ पर मैं ब्लैक कलर का काजल यूज़ कर लेती हूँ अपने लोअर लैश लाइन पर। एंड आप देख सकते हो हमें बस एक स्मजी लुक देना है ब्लैक काजल से, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा हमारा आईज़ और अट्रैक्टिव लगने लगेगा। एंड मेरी आईज़ छोटी है तो इसे काफ़ी बड़ी भी लग रही है, एंड आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद से फ्रेंड्स, मैं अपने आई मेकअप को एकदम कंप्लीट करने के लिए आईलाइनर। एंड आईलाइनर आप अपने जो भी शेप आपको पसंद है आप लगा सकते हो इस पर, क्योंकि आई मेकअप को हमने डन कर लिया है। एंड जब तक हम आईलाइनर नहीं अप्लाई करते हमारा मेकअप एकदम इनकम्प्लीट सा लगता है। सो आई मेकअप जब करते हैं तो आईलाइनर और मस्कारा बहुत ज़रूरी होता है हमारे आई मेकअप के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आई मेकअप होता है कम्प्लीट। एंड फ्रेंड्स, मैंने लिपस्टिक भी अप्लाई कर लिया। एंड लिपस्टिक को अप्लाई करने के बाद से ये मेरा फाइनल लुक। एंड इसके बाद से हम मेकअप को सेट करने के लिए सेटिंग स्प्रे से अपने मेकअप को सेट कर लेंगे, जिससे हमारा मेकअप और लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा मेकअप लुक कैसा लगा, पूरा वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट करके बताना। एंड चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। एंड इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट देते रहिए, मैं आप लोग के लिए ऐसे न्यू वीडियोज़ लेकर आती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।